Hello students, good morning all of you. Today we have discussed about the binomial theorem, binomial expression. कल हमने जो पढ़ा था वो था बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आपने पढ़ा होगा, उसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है, उसके नोट्स बना सकते हो. आज जो हमारा टॉपिक है वो बेटा बायनोमियल एक्सप्रेशन क्या होता है, व्हाट विल बी द बायनोमियल एक्सप्रेशन. देन यदि हम बात करके चले, बायनोमियल एक्सप्रेशन बेटा एलजेब्रा एक्सप्रेशन ही है जिसमें दो टर्म होते हैं एंड एलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स इज नोन एज बायनोमियल एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे ए प्लस बी बायनोमियल एक्सप्रेशन, 2x-3y पावर 1/3 बायनोमियल एक्सप्रेशन. कोई भी टर्म जिसमें एलजेब्रिक टर्म जिसके अंदर टू टर्म, सिंपल सी बात है, कोई भी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर दो टर्म बायनोमियल एक्सप्रेशन बढ़ जाते हैं. एक एग्जांपल और लेकर चल रहे, जैसे x² + y² इसकी पावर 1/3 या a² + b² इसकी पावर 1/3 की हम बात करके चले, तो ये भी एक प्रकार से बायनोमियल एक्सप्रेशन है. कैसे, यदि हम बात करके चले, a² को आप ट्रीटेड एज p एंड b² को ट्रीटेड एज q एंड दिस बिकम p + q इसके पावर 1/3. क्लियर, दिस इज आल्सो बायनोमियल एक्सप्रेशन. नाउ बायनोमियल थ्योरम, इसकी स्टेटमेंट पर जाएं तो बेटा 1 + a + b इसकी पावर 10, a + b इसकी पावर 10 इज इक्वल टू 1a^n प्लस n इंटू में a^n-1 b^1. अब जैसे जैसे ये एक्सप्रेशन बढ़ता जाएगा, a की वैल्यू कम होती जाएगी, b की पावर बढ़ती जाएगी एंड अप टू सो. क्लियर, अब यदि हम बात करके चलें बेटा, अब ये कहोगे सर आपने तो यहां मेनली टू टर्म लिख रखी है, a की पावर n-2 इंटू b² तक ये टर्म, इसके आगे बेटा क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं कि ये आपके पास 1001 हो गया, इसकी पावर 1/3 है. अब यदि हम इसकी बात करें, इसके ऊपर बायनोमियल एक्सपेंशन लगाए या बायनोमियल थ्योरम लगाए, तो 1000 + 1 इसकी पावर 1/3, तो दिस विल बी ए एंड दिस विल बी बी. और यदि हम बात करते चले, 1000 हमने बाहर ले लिया, 1 + 1/1000 ये हो जाएगा बेटा, इसके पूरे की पावर हम क्या करके चलेंगे, इस पूरे की पावर करेंगे 1/3. अब देखो, a तो हो गया बेटा आपके पास 1 और b की वैल्यू हो गई 1/1000, दैट विल बी 0.001, दैट विल बी वेरी स्मॉल. क्लियर, इसलिए b की पावर हम बढ़ाएंगे, मान लो b की पावर 0.001 है, इसका हम स्क्वायर करेंगे, क्यूब करेंगे, पावर 4 करेंगे, इट विल बी वेरी वेरी स्मॉल. पर इन फिजिक्स दी सवाल टर्म कैन बी नेग्लेक्टेड, हाँ मैथमेटिक्स में आप एन टर्म तक कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में बेटा एटलीस्ट टू टर्म्स, उसके आगे आप करना भी चाहते हो तो भी उसका मैथमेटिकल है ना वो बहुत बड़ा हो जाएगा. तो हम सिंपल सी बात करते हैं, 1 + b या a + b इसकी पावर n इज नियरली इक्वल टू a की पावर n, n बार आ जाएगा, a की पावर n-1 b की पावर 1, दैट सफिशियंट. अब यदि हम बात करें, a की पावर n बार ले लिया बेटा, 1 + n b/a और द फाइनल रिजल्ट इज 1 + b या a + b इसकी पावर n इज इक्वल टू ए एन बाहर ले लेंगे 1 + n इंटू में b की b / a. क्लियर,
एक बेटे ये फॉर्मूला आपके पास, वन प्लस एक्स की पावर एन है, इसका बायनोमियल एक्शन अकॉर्डिंग टू दिस ए की वैल्यू होगी वन, बी की वैल्यू होगी एक्स, यहां पर आ जाओ ए की वैल्यू वन है तो वन की पावर कितनी होगी एन होगी, क्लियर, इंटू में वन, ये वन था, प्लस एन, बी की पावर कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है एक्स, एक्स पुट कर दो, ए की पावर कितनी है वन, दैट विल बी टी। अब यदि हम बात करके चले, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसी यही से कि यदि हम बात करके चले बेटा एग्जांपल, इसको आप बहुत अच्छे ढंग से नोट कर सकते हो, कोई किसी प्रकार की दिक्कत है आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मैंने आपको ले लिया, दैट विल बी वन, इसकी पावर मैंने वन बाय थ्री ही ले ली है, दो बस एग्जाम्पल लीजिए सिंपल से। अब वाई की वैल्यू यदि हम बात करके चले, दैट विल बी, इसको मैंने ले लिया सॉल्यूशन के लिए वन बाय थ्री, और इसको मैंने लिख सकता हूं वन वन थाउजेंड प्लस वन, क्लियर, यहां से इसकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा वन बाय थ्री। अब क्या करते हैं, हमने इसको वन बनाना है तो इसको आपने वन थाउजेंड इसकी पावर कितनी होगी बेटा वन बाय थ्री, ये कॉमन ले लेता हूं यहां से, और ये होगा वन प्लस वन अपॉन में वन थाउजेंड, और इसकी पूरे की पावर कितनी होगी बेटा वन बाय थ्री, क्लियर, यहां तक कोई भी दिक्कत है बोल सकते हो, मैंने कोई नया नहीं किया, मैंने क्या किया यहां से वन थाउजेंड से ही मल्टीप्लाई करते हैं, वन थाउजेंड से ही क्या करते हैं डिवाइड करते हैं, सिंपल सी बात है, तो ये तो हो जाएगा वन और ये हो जाएगा वन अपॉन में वन थाउजेंड, क्लियर। अब देखो इस ये है, इसको मैं क्या लिखता हूं टेन की पावर थ्री, इसको वन बाय थ्री हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास वन प्लस वन थाउजेंड इसकी पावर वन बाय थ्री, की कोई दिक्कत किसी प्रकार की। अब ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा पास टेन। अब देखो बेटा वन प्लस वन थाउजेंड इसकी पावर वन बाय थ्री, ठीक है, चलते हैं इस टॉपिक के ऊपर, इस वन प्लस एक्स इसकी पावर एन, सिंपल, एन की वैल्यू है कितनी यहां पर वन बाय थ्री, सिंपल बस। तो सिंपल सी बात है बेटा, यदि हम इसकी बात करके चलें तो आप सबसे पहले यहां पर लिख लो वन पर एक दो क्वेश्चन करोगे क्लियर हो जाएगा, दैट विल बी वन की पावर वन और वन प्लस एन एक्स, सिंपल सी बात है। तो यहां से ये तो होगा टेन, ये होगा वन प्लस इस पावर को आगे ले लो तो किसके बराबर हो गए वन बाय थ्री इंटू में वन, सिंपल सी बात। अब इसको यदि हम बात करके चले, इसको आप सोल्व करेंगे तो टेन इंटू में वन प्लस वन अपॉन में, और इसको यदि हम आगे करके चले तो रिजल्ट जो आएगा वो आपके पास कितना आ जाएगा 10.003333, दैट विल बी द फाइनल आंसर। इसको सोल्व कर लेना बेटा, सोल्व करने से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपके पास है? तो ये सिंपल सा एक मैथमेटिकल, कल आपने न्यूमेरिकल करने है उसकी पावर आ गई 5/2 आ गई 6/7 आ गई, तो यू कैन नोट इट सोल्व इजली, बट बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम we have solved very easily topic, clear। अब मैं आपको एक क्वेश्चन एक numericals और ले लेता हूं, सिंपल सी बात है, एक दो और आपको numericals करवाता हूं जिससे आप बहुत अच्छे ढंग से समझ सके। मैं मेरे पास एक numericals है और उसको मैंने लिख दिया 3 + 4x इसकी पावर बेटा 1/3 या 7/3 ले लो बेटा, इसको हम मान लेते हैं लेट वाई इक्वल टू 3 + 4x। क्या करना है सबसे पहले, यदि हम बात करके चले तो सबसे पहले इसको वन बनाया है तो 3 बार ले लिया मैंने बेटा 1 + 4/3x इसकी पूरे की पावर कितनी होगी बेटा 7/3, क्लियर, कोई दिक्कत। अब इसको मैंने अलग से लिख दिया 7/3 बार आ गया, ठीक है बेटा, यहाँ पर 1 + 4/3 कैसे आया 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से ही क्या कर दो डिवाइड,
ये आपके पास किसके बराबर हो गया, वन प्लस फोर बाय थ्री एक्स रेज़ टू पावर सेवन बाय थ्री। अब हम उस कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, वन प्लस एक्स की पावर एन। यदि अब इसकी बात करके चले तो थ्री इंटू में सेवन रेज की पावर ये सेवन बाय थ्री प्लस ये पावर आगे ले आओ सेवन बाय थ्री इंटू में फोर बाय थ्री इंटू में एक्स। क्लियर बेटा? अब यदि हम बात करके चले थ्री सेवन बाय थ्री इसकी यदि हम बात करके चलते हैं तो ये आपके पास वन प्लस ट्वेंटी एट अपॉन में नाइन एक्स, दैट विल बी द पाइनोमियल एक्सप्रेशन फॉर दिस। क्लियर होगी बेटा? इसको बहुत अच्छे ढंग से आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो, और भी मैं न्यूमेरिकल्स है आपके बुक में से आप इसको एटलीस्ट मैंने आपको बताया कि फाइव न्यूमेरिकल सॉल्व करो। क्लियर? इसमें बेटा किसी प्रकार की कोई दिक्कत है यू कैन आस्क मी एनी टाइम्स, ठीक है? तो बायनोमियल थ्योरम में इतना ही था। आज जो हम करेंगे, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो